सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ साचिता। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होममेड सैनिटाइज़र। जी हाँ दोस्तों, होममेड सैनिटाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। आप घर की चीज़ों से कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार कर सकते हो होममेड सैनिटाइज़र, वो भी कुछ ही समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे कीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है इस सैनिटाइज़र को बनाने के लिए 1 कप, जो कि क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ उस कप में 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले ली हूँ, 1 टीस्पून। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ दोस्तों। तो इसको मिक्स करने के बाद हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, हमें चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहेगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। बिना अल्कोहल के हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इसको भी हम थोड़ा से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम ऐड करेंगे डेटॉल लिक्विड। जी हाँ दोस्तों, डेटॉल लिक्विड इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही, हम सब जानते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसमें कितने सारे गुण होते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको भी ऐड कर ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एलोवेरा जेल और जो डेटॉल है वो थोड़ा सी अलग हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जो आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है उसमें थोड़ा सी ज़्यादा टाइम लगे इसको मिक्स करने के लिए। ये रेडीमेड है तो फिर फटाफट से हो जा रहा है, ये देख सकते हो आप। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बादाम का तेल ऑयल कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी खुशबू वाला ऑयल ऐड कर सकते हो। तो अब इसको भी मिक्स करना है, 3 से 4 ड्रॉप ही ऐड करना है ऑयल को। तो अब ये मिक्स हो गया। अभी देखिए, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा होममेड सैनिटाइज़र बिल्कुल भी बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल बाज़ार वाले सैनिटाइज़र के जैसे। तो आप देख सकते हो, मैं इसको आपको यूज़ करके भी बता रही हूँ, बिकॉज़ मुझे बार बार यूज़ करना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इतना स्मूथ है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। आप लोग भी बनाएंगे तो ही आप लोग को इसका अंदाज़ा होगा कि कितना बेहतरीन ये घर पर बनकर तैयार हुआ है। ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई करो इसको। तो ये जो मेरा होममेड सैनिटाइज़र बन गया, अब मैं इसको एक बॉटल में ऐड कर लेती हूँ सारा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल है, उसमें मैं पोर कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं पूरा ऐड कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ये मैंने एक बॉटल में पूरा ऐड कर लिया है। अब ये 15 से 20 दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हो। दिन में हमेशा 3-4 बार यूज़ कर लीजिए इसको और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाइए। दोस्तों, ये बाज़ार के जैसा ही है, आप यूँ समझे कि बाज़ार से भी बेहतर है। 2-3 ड्रॉप ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसको इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो।